पार्टी और पद छोड़ के आप सब लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं, और कर्नल साहब को पता होता तो कागज जरूर फाड़ के हमारे बीच में आते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा। हरीश जी और कर्नल साहब एक मंच पर थे तो मुझे समझ आ गया मामला बड़ा है। और जब मैंने राजनीति शुरू की उस समय कर्नल साहब हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कानून बना वो 2018 में भाजपा के समय में बना, और कर्नल साहब को पता होता तो कागज जरूर फाड़ के हमारे बीच में आते, मुझे इस बात का पूरा भरोसा। सत्ता से टकराने का हुनर अगर इस राजस्थान के किसान में नहीं है तो मैं समझता हूं कहीं भी धरती पर किसी आदमी में नहीं है। वो किसान जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री का गुरूर झुकाकर और किसान आंदोलन वापस करवाए, और आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। मुझे इस ओबीसी आरक्षण और ओबीसी विसंगतियों का इतनी डिटेल में नहीं पता था, लेकिन जब सबसे पहला आंदोलन बाड़मेर में हुआ और हरीश जी और कर्नल साहब एक मंच पर थे, तो मुझे समझ आ गया मामला बड़ा है और हम सबको इनके साथ रहना चाहिए। आज इस मंच पर सभी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपको सिर्फ यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो जायज मांग हम सब लोगों की है, अब वो नहीं रहेगा कि सत्ता में बैठे लोग ये सोचें कि किसान के बेटे सिर्फ हल जलाएंगे और खेतों में रहेंगे। आज हम लोगों को पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर बैठना है। आज आईएएस का रिजल्ट आता है, लिस्ट में आप लोग देखोगे ओबीसी किसान के बच्चे कितने उसमें भागीदार होते हैं। आरएस में, आरजेएस में समय बदल चुका है। और अगर मैं इस मंच से इतनी बात कहना चाहूँगा, राजनीतिक बात आप लोगों के बीच में हम नहीं करना चाहते और न ही आप लोग उस बात को सुनना चाहते हो। आज जब भी कोई युवा हम लोगों को घूमते हुए मिलता है जयपुर में, पहले किसान के पास दो काम होते थे अपने जीवन में, उन दो कामों को करते करते वो मर जाता था, या तो अपना घर बना पाता था और या अपने बच्चों की शादियां कर पाता था। लेकिन आज वो चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे जमीन गिरवी रखनी पड़े, अपने बच्चों को जयपुर भेजता है, दिल्ली भेजता है कि वहाँ जाकर यह बच्चा एक कमरे में रहेगा, कोचिंग की फीस भी भरेगा। और जब रिजल्ट आता है, तो हम देखते हैं कि जो बच्चा टॉपर कर रहा है, सेकंड रह रहा है, वो भी उस लिस्ट में नहीं है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में पार्टी और पद छोड़ के आप सब लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं। कुर्सी से कोई ज्यादा ताल्लुक, ज्यादा लालच नहीं है। अगर सत्ता और कुर्सी छोड़कर आप लोगों के बीच सड़क पर आना पड़ा तो इस मन से भरोसा दिलाकर जाता हूं कि पहला मैं आदमी हूंगा जो आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं पुणे राजा राम जी मील को, हरीश जी को, नरपत जी को, राजेंद्र जी को, कर्नल साहब को, दिव्या जी को, रामनिवास जी को, निर्मल जी को, बलजीत जी को और समस्त जो लोग इस मंच पर बैठे हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन युवाओं की आवाज़ में आप लोगों के भागीदार बने। और आज इस मंच से भाषण देकर ये काम खत्म नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन चलेगा आपकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बीच हम लोग खड़े हैं। एक बार पुणे में संघर्ष समिति ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबा संघर्ष आपने हर जिले में करा। इससे पहले सरकार के सामने आप लोगों की मांग रखने का जहां भी वक्त आया हम लोग सब खड़े थे, लेकिन अब मांग छोड़कर संघर्ष में और आंदोलन में आप सब लोगों के बीच भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद मुकेश जी।